आलोक मेहता पर इसलिए गर्म थे कि वो मंत्री भी थे अभी MLA हैं और फिर उन्हीं को चाहिए ये भी सत्ता, कुछ कम भी दूसरे को भी नंबर आने दीजिए, सब दिन आप ही नहीं रहिए, लालटेन में और भी नेता है, उठने दीजिए उसको भी। लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण और चौथे चरण, तीसरे का चुनाव हो गया है, चौथे चरण यानी 13 तारीख का चुनाव होना है और आज तीसरे चरण का मतदान जो है वो चल रहा है। खगड़िया जिसमें है, बगल में ही खगड़िया है, वहाँ मतदान हो रहा है और यहाँ पे देखिए गांव देहात में लोग जो है वो ताश खेल रहे हैं, एक बाबा मिल गए और आलोक मेहता के बारे में बड़ी खरी खोटी सुना रहे हैं। यादव जी हैं? नहीं, भूमिहार हैं। भूमिहार हैं। आलोक मेहता पर इतना गर्म काहे थे? आलोक मेहता पर इसलिए गर्म थे कि वो मंत्री भी थे अभी MLA हैं और फिर उन्हीं को चाहिए ये भी सत्ता, संसदीय क्षेत्र भी चाहिए, तो ये तो गलत बात ना है। अगर कोई केंद्र का सांसद कहता है कि लालू जी भ्रष्ट हैं तो ये साबित तो ये कर रहे हैं कि सब कुछ हम ही को चाहिए, दूसरा को नहीं चाहिए। काहे लालटेन में और कोई है नेता कि नहीं? जमीन पर काहे नहीं उसको टिकट देते हैं? काहे नहीं देते हैं? यही इसी को कह दिए, जब मंत्री है ही पेंशन मिलवे करेगा तो फिर इनको ही काहे चाहिए? 14 में सांसद रह चुके हैं इसलिए बोले हैं, रह चुके हैं एक के दिन, एक के आदमी सब दिन रहिएगा कि बदलिएगा? मेहता से नाराज का है? नहीं, किसी से नाराज नहीं है, व्यवस्था से नाराज है। हाँ, इनके व्यवस्था से नाराज है। यही लालू जी तेजस्वी के राज में कितना क्राइम होता है? क्राइम होता था? होता था ना, आ फिर भी बीच में कुछ दिन रहे नीतीश कुमार के साथ तो भी शुरू हो गया। अभी सब शांत है? शांत तो नहीं है, शांत जो काम चालू हो जाता है उससे शांत होता है, वो शांत होने वाला बात नहीं है अब। लेकिन दूसरे को भी नंबर आने दीजिए, सब दिन आप ही नहीं रहिए, लालटेन में और भी नेता है, उठने दीजिए उसको भी, यहाँ सब दिन हम ही रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो नित्यानंद राय हो, आलोक मेहता हो, अवधेश राय हो, कोई गिरिराज सिंह हो, कोई भी हो, बारी बारी से आना चाहिए। बेजी पे कहा ना कि 70 साल के बाद रिटायर, ये लोग कहिए रिटायर होंगे? मोदी तो 70 हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, मोदी जी अभी 70 साल के नहीं हुए, शायद नहीं हुए हैं। अच्छा, केंद्र में किनको जरूरत है? केंद्र में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नहीं, केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जरूरी है, राहुल गांधी को तो बुझने ही नहीं आता है, बुझने ही नहीं आता है। हाँ, राहुल गांधी कोई लायक है ही नहीं, उससे बढ़िया है प्रियंका। हाँ चलिए, अच्छा केंद्र में किन्हें चाहते हैं, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। का है राहुल गांधी क्यों नहीं? इसलिए कि काम कर रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं, काम कर रहा है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए मजबूत है देश ना? हाँ देश तो अभी मजबूत है। चलिए, केंद्र में कौन चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? सही, मोदी चाहिए जी। मोदी क्यों? इसलिए कि वो विश्व स्तरीय नेता है तो उनको ही चाहिए, वो सारी चीज को समझते हैं। वो कह रहे हैं कि युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं मोदी जी, इसलिए रोजगार मिलेगा ना, देश बचेगा तो रोजगार तो मिलेगा ही, देश बचेगा तो रोजगार तो ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है, देश बचेगा तो जी। चलिए, इनसे भी जान लेते, केंद्र में किन्हें जरूरत, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। लेकिन युवा को रोजगार सब कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, नौकरी तो हो ही ना रहा है, जो जिस विभाग में जरूरी है वो तो हो ही रहा है। तो राहुल गांधी को नहीं पसंद करते? नहीं, हम लोग ने उनको नहीं चाहते हैं। नहीं, 10% नहीं, 1% बात किया। ये उजियारपुर लोकसभा के क्षेत्र के अंदर जो है वो आता है, ये लोग जो है गांव देहात में पेड़ के नीचे ताश खेल रहे हैं और इन लोगों से हमने बातचीत किया लोकसभा को लेकर के, क्योंकि यहाँ जो है वो 13 तारीख को मतदान होना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन से कहें तो राजद की ओर से आलोक कुमार मेहता हैं, वहीं NDA से नित्यानंद राय को फिर से यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। लोगों का कहना है कि केंद्र में अगर मजबूत करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं जो केंद्र में विकास के काम कर रहे हैं और यहाँ से जो है वो नित्यानंद राय हैं फिर से चुने जाएंगे। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।